एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 307 पे जो प्रॉब्लम नंबर 13 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ भारती। हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे इस तरह से जर्नल का, एंड देन वन बाय वन इन डिटेल वी विल अंडरस्टैंड ऑल द ट्रांजैक्शंस। पूरा ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्चुअली हम समझेंगे एंड देन वी विल पास जर्नल एंट्रीज। वी आर इन नो हरी। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू हैव कंप्लीट थरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, देन जर्नल एंट्री पास करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। बैंक इनफॉर्म्ड दैट ओमिट्स एक्सेप्टेंस। अभी कौन एक्सेप्ट करता है कभी भी बिल? एक्सेप्ट करता है ड्रॉई। तो अमित के लिए ये बिल्स पेबल बन जाएगा, राइट? फॉर 15,750 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन वॉज ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड वर 150। इसका मतलब भारती के लिए ये क्या था? इट वॉज बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था ये? 15,750 रुपीज। अभी भारती ने ये बैंक को भेज दिया फॉर कलेक्शन। ऑलराइट, भारती ने क्या किया? बिल लिया और जैसे ही बिल आ गया बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। तो भारती के बुक्स में क्या एंट्री पास हुई होगी जब बिल चला गया? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। याद करिए, बेसिक मैंने सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर में समझाया हुआ है। तो ये चला गया बिल। नाउ दिस इज नॉट अपियरिंग इन भारती's बुक्स एट ऑल। ओके, अभी भारती को ये बताती है बैंक दैट ये जो आपने हमें बिल दिया है दिस हैज बीन ऑनर्ड नाउ। अमित ने ये हमें पैसा दे दिया लेकिन आपके लिए हमने जो सर्विस प्रोवाइड की उसके लिए वी आर चार्जिंग यू 150 रुपीज। तो बैंक ने कुछ चार्जेस लिए। ये चार्जेस क्या है? 150 रुपीज। इन द बुक्स ऑफ भारती ये चार्जेस एक्सपेंस हो गया, राइट? ये नुकसान हो गया, तो चार्जेस को हम कर देंगे डेबिट। और टोटल अमाउंट मिलने वाली थी 15,750। टोटल अमाउंट कितनी मिलने वाली थी? 15,750। 150 डिडक्ट होके पैसा मिला, दैट मींस 15,600 इज द अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड इन द बैंक। करेक्ट, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी इस केस में? बैंक अकाउंट डेबिट 15,600, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। टू बीआर नहीं कर देना गलती से। बिल्स रिसीवेबल इज नो मोर इन द बुक्स नाउ। उसने ऑलरेडी वो बिल बैंक को दे दिया था, तो अभी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, लेट अस पास दिस एंट्री नाउ। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट 15,600, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। अंडरस्टूड? ये मैं डायग्राम्स आपके लिए बना रही हूँ बच्चों, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द ट्रांजैक्शन जो हो रहा है यहाँ पे। हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो जाएगी कॉन्सेप्ट समझने में तो जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। आपको पहले क्वेश्चंस पूछने हैं खुद को दैट ये बिल किसके पास है, ये बिल ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ है, और हम किसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब देखना है। ऑलराइट, वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस। अगर नितिन ने एक्सेप्ट किया मतलब नितिन के लिए ये बिल्स पेबल है। अगर नितिन के लिए बिल्स पेबल है तो हमारे लिए, भारती के लिए, इट इज बिल रिसीवेबल। ऑल राइट, ही रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 22,200 बाय पेइंग 2,200 इन कैश अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट एट 10% एंड
एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, अभी हमने रिन्यूअल बहुत अच्छे से देखा है बच्चों। रिन्यूअल में सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है? ओल्ड बिल को कैंसिल करने की। ओल्ड बिल जब कैंसिल होगा इन द बुक्स ऑफ भारती क्या हो जाएगा? ये बिल रिसीवेबल था राइट फॉर भारती, अभी ये बिल इज नो मोर एन एसेट, तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। और किससे आने वाला है पैसा फ्यूचर में? आने वाला है नितिन से। तो नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल विल बी आवर फर्स्ट एंट्री। नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ₹22,200। नरेशन बी, ओल्ड बिल कैंसल्ड। प्लीज रिमेम्बर रिन्यूअल के केसेस में मैं आपको बार बार बोलती हूँ, पहला जो बिल है ओल्ड बिल है उसे आप फर्स्ट कैंसिल करेंगे और फिर आगे के एंट्रीज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? अभी हमें क्या दिया है आगे देखो, नितिन ने क्या पे किया? 2200। लेकिन सिर्फ 2200 नहीं पे किया है, लुक एट द वर्डिंग, क्या बोला है? अलोंग विद इंटरेस्ट, मतलब 2200 दिया प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट भी दी है नितिन ने, अभी दे दी है ये अमाउंट। ठीक है, तो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना आएगा। इंटरेस्ट विल बी ऑन द बैलेंस अमाउंट एट 10%। व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट? लेट अस सी, 22,200 वाज द टोटल बिल, उसमें से वो 2200 दे रहा है ना, यहाँ पे बताया गया है हमें, तो बैलेंस कितना बचता है? 20,000। इस पे अभी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट विल बी 10%, तो हम इस पे कैलकुलेट कर लेंगे 10%। एंड हियर सी, दे हैव फॉरगॉटन टू राइट डाउन द वर्ड्स पर एनम। ऑलराइट, वी हैव टू अज्यूम दैट दिस इज 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का 10% है, तो 3 महीने का कितना? इंटू 3/12, दिस इज गोइंग टू बी आर इंटरेस्ट। ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट है बच्चों उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, टोटल अमाउंट पे नहीं। ठीक है, तो जो बैलेंस है वो हमने निकाला टोटल अमाउंट में से कैश की फिगर माइनस करके, एंड इस पे अभी मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी। देखो कितना आ रहा है, 500 रुपीज। दिस इंटरेस्ट इज व्हाट आर इनकम, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसे करेंगे? नितिन से मिलने वाला है, सो नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 500 रुपीज। तो पहले ये एंट्री पास कर लेते हैं, नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ओके, प्लीज रिमेम्बर जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज करेंगे ना, तो बिल्कुल गलती नहीं होगी आपकी, हमें बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है। लेट अस अंडरस्टैंड थरली दैट व्हाट इज हैपनिंग। ये अभी इंटरेस्ट के साथ पैसा हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट इज 500, सो 2700 इज द कैश दैट हैज बीन रिसीव्ड, तो हमारे बुक्स में एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट 2700। ओके, लेट अस पास दिस एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट 2700, नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, ऑलराइट, ओके। और अभी आगे क्या करेंगे? जो भी बैलेंस बचा उसका नए बिल का एक्सेप्टेंस मिला। बैलेंस कितना है यहाँ पे देखो, 20,000 बैलेंस है ना, इसीलिए तो हमने 20,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, सो 20,000 का बिल एक्सेप्ट हो गया, तो हमारे बुक्स में क्या एंट्री आ जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू नितिन अकाउंट 20,000, सो लेट अस पास दिस एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू नितिन अकाउंट 20,000, एंड नरेशन बीइंग
एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर न्यू बिल. अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. ओके आगे. धनश्री who had accepted Bharti's bill. Again, Dhanashri has accepted. तो Dhanashri के लिए bills payable और Bharti के लिए it is bill receivable. For 17,500 was declared insolvent and only 40% of the amount due could be recovered from his estate. अभी सबसे पहले जब भी insolvent हो जाता है तो सबसे पहले entry क्या हो जाएगी? Dishonor of bill की entry हो जाएगी. हमारे बुक्स में, भारतीय के बुक्स में इट इज बिल रिसीवेबल. तो अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या हो जाएगी? धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 17,500. सो लेट अस पास दिस एंट्री फर्स्ट. धनश्री अकाउंट डेबिट 17,500 टू बिल रिसीवेबल 17,500 being bill dishonored. अभी यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, बहुत बार because nothing has been mentioned about dishonor, हमें सिर्फ बोला है that she is declared insolvent, तो हम ये entry ही pass करना भूल जाते हैं. प्लीज रिमेम्बर, जब भी इंसॉल्वेंसी है या जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको dishonor की एंट्री पास करनी है. Now second entry will be for the balance received. कितना मिला है? 40% of the amount due. So let us calculate. 17,500 का 40% कितना आ रहा है? 7,000 rupees. तो ये 7,000 हमें cash मिला. Total मिलने वाला था 17,500, लेकिन सिर्फ 7,000 मिला. मतलब 10,500 हमारा नुकसान है. तो इस नुकसान को हम डेबिट करेंगे. तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू धनश्री अकाउंट. ऑलराइट, धनश्री का अकाउंट हमें क्लोज करना है. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिट 7,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 10,500 टू धनश्री अकाउंट 17,500 बीइंग फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड. ये जो पैसा मिला है उसे हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड एंड बैड डेट्स रिटन ऑफ. अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली. ओके आगे. Discharged our acceptance. हमने अगर accept किया है, इसका मतलब हमारे books में it is bills payable. Okay? To Savita for 9,450 by endorsing Pravin's acceptance to us 9,000. अभी देखिए यहाँ पे तीन parties है. एक है Savita, एक है Bharti and एक है Pravin. भारती के बुक्स में इट इज बिल्स पेबल. इतना बिल सविता को देना है. कितना का, कितने का है? 9,450 रुपीज. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, हमने एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज कर दिया. ये बिल्स पेबल के बदले में पैसा दिया, लेकिन कैसे दिया? बाय एंडोर्सिंग प्रवीण एक्सेप्टेंस टू अस. अभी हमें पता है एंडोर्स कौन कर पाता है? जिसके पास बिल होगा. राइट, इसका मतलब ये जो प्रवीण है इसके पास से हमें कुछ बिल आने वाला था 9,000 रुपीज का. प्रवीण वॉज द एक्सेप्टर ऑफ दैट बिल. ठीक है, उसने हमें वो बिल दिया था 9,000 रुपीज का. अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो बिल है ये वी आर गिविंग, वी आर एंडोर्सिंग इट टू सविता. ओके, तो यहाँ पे ये हमारे बुक्स में से बिल चला जाएगा बाहर और ये जो बिल पेएबल है ये हम डिस्चार्ज कर रहे हैं. Getting it? अभी दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है. यहाँ पे हमने बिल्स पेबल को डिस्चार्ज अगर कर दिया तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी?
बिल्स पेबल को हम डेबिट कर देंगे, राइट। और बिल्स पेबल को डेबिट तो पूरे अमाउंट से होने वाला है 9,450, लेकिन बिल कितना गया बिजनेस में से बाहर, सिर्फ 9,000 रुपीज का। सो 2BR हो जाएगा 9,000 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 450 रुपीज का, ये क्या है? ये हमें रिबेट मिला है फ्रॉम सविता। सविता ने हमें इतना डिस्काउंट दे दिया, तो ये जो रिबेट है दिस इज आर बेनिफिट, हमारे लिए ये हमारा मुनाफा हो गया, तो हमारे लिए इसे क्रेडिट करेंगे हम। गेटिंग इट? समझ में आया पूरा ट्रांजैक्शन क्या हो गया है? लेट अस पास दिस एंट्री हियर नाउ। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, हमारा जो ऑब्लिगेशन है वो हमने फुलफिल कर दिया, 9,450 वाला, ये हमने बिल एंडोर्स कर दिया। सो टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल है? 9,000 का, और जो बचा दैट इज माय इनकम, सो टू रिबेट अकाउंट। गेटिंग इट? नरेशन बीइंग बिल डिस्चार्ज्ड, एंड रिबेट रिसीव्ड। क्या ये हमारे बुक्स में इनकम दिखेगा? क्लियरली अंडरस्टूड क्या ट्रांजैक्शन हुआ? एक बिल्स रिसीवेबल है और एक बिल पेबल है, तो प्लीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बनाया है बच्चों, फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड किसके बुक्स में बिल्स पेबल है और किसके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है। बहुत क्लियरली समझ गया? इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों। अभी एट दी एंड क्या बचा है? अभी हमें जर्नल का टोटल लेना है, सो लेट अस डू दैट। टोटल आ रही है यहाँ पे 1,05,600। ओके, आई होप आप सारे लेक्चर्स देख रहे हो बच्चों, मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ आपके टेक्स्ट बुक में से। आई हैव मेड चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, सो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर्स, प्लीज सी ऑल द लेक्चर्स सो दैट योर पोर्शन इज कम्प्लीटेड ऑन टाइम। मैं आपका पूरा पोर्शन कम्प्लीट करने वाली हूँ, उसके बाद हम रिविजन लेंगे, सो दैट दिस ईयर अकाउंटेंसी में बोर्ड एग्जाम्स में हमें 90% प्लस मार्क्स मिलने ही चाहिए। और आप अगर मेरे सारे लेक्चर्स देखेंगे तो मेरी गारंटी है बच्चों दैट आपको 90% तो आराम से मिल जाएंगे बोर्ड में। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।